हाय एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे बहुत अच्छे होंगे आज मैं कर रही हूँ किचन क्लीन डीप क्लीनिंग आप बोल सकते हैं क्योंकि होली आने वाली है और त्यौहार आए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता पूरे घर के अच्छे से क्लीनिंग होती है तभी जा अच्छा लगता है खैर दिवाली की बात तो अलग है दिवाली पर तो एक, -एक चीज आ, क्लीन होती है घर में पूरे में हाथ निकालना होता है लेकिन होली पे ऐसा नहीं है कि हर चीज़ लेकिन फिर भी किचन काफ़ी टाइम से अच्छी से क्लीन नहीं हुई थी थोड़ा तो हो ही जाता है लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी तो मैं आज यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और पूरा आपके साथ शेयर नहीं करूँगी थोड़ा सा बस मोटा मोटा सा आपको दिखाऊंगी वैसे मैं बहुत देर से लगी हुई हूँ ऐसे करती तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैंने डिप क्लीनिंग की वीडियो किचन की डाली है चैनल पे तो आप चेक कर लीजिएगा और ऊपर भी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक किचन को क्लीन करना है अंदर के मैं कबड़ाज नहीं कर रही हूँ वो मैंने धीरे धीरे पहले से ही करके रख दिए हैं क्योंकि इतना अंदर तो गंदा होता भी नहीं है तो वो तो हो ही जाता है लेकिन बाहर का टाइल्स वगैरह आज मैं सब साफ करने वाली हूँ चिमनी भी पूरी जो है इसकी फ़िल्टर वगैरह सब निकाल दिए हैं तो ये भी मैं क्लीन करूँगी वो बाद में करूँगी पहले पूरी किचन कर लेती हूँ क्योंकि फिल्टर तो अलग ही कर लूँगी उनमें बहुत जो है गंदा हो रखे है काफ़ी टाइम हो गया है और यहाँ पे अब कर रही हूँ टाइल्स टाइल्स को मैं कर रही हूँ डिस कर लिया है स्प्रे बोतल में तो उससे कर रही हूँ आ, स्प्रे कर कर करके या फिर कपड़े से भी आ, स्पंज वगैरह से भी लगा लेते हैं लेकिन आज मैं स्प्रे बोतल से ही कर रही हूँ और जो कवर किए हैं कवर मेरे फ़ाइबर के हैं उनको मैं कोलिन से करती हूँ तो कोलिन से भी कर लेती हूँ डिश वॉश से भी कर लेती हूँ कोलिन से ये है कि फिर अच्छे से गीले कपड़े से ज़्यादा नहीं करना पड़ता अगर हम डिश वॉश से करते हैं तो उसमें झाग से आ जाते हैं उसको फिर अच्छे से करना पड़ता है तो शाइन अच्छी आ जाती है कोलिन से फ़ाइबर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी शाइन आ रही है तो अच्छे क्लीन हुए हैं तो यहाँ पे मेरी टाइल्स भी हो गई हैं अब आया है नंबर गैस स्टोव का इसके भी मैंने जो है स्टैंड वगैरह सब निकाल के पहले ही साफ़ करके रख दिए थे तब बर्तन किए थे और यहाँ पे मैंने ये डाल लिया है थोड़ा सा लिक्विड जो भी का होता है हमारा बर्तन वाला वही डाल लिया है और उसी से इसको मैंने एक स्पंज ले लिया है तब भी मैं गैस स्टोव क्लीन करती हूँ अच्छे से तो उसके लिए मैं नया स्पंज रखती हूँ बर्तन वाले से मैं गैस स्टोव नहीं करती उससे मुझे अच्छा नहीं लगता है और तो यहाँ पे आज मैंने नया ही लिया है अगर मुझे कहीं टाइल्स पर भी लगाना पड़ेगा स्लेब वगैरह भी मैं स्पंज से सारी आज अच्छे से करने वाली हूँ और स्टैंड और इनमें ना एक्स्ट्रा एक एक प्लेट है ये तो ये इसमें अलग से है पहले से ही फ़िट है इसमें तो ये निकलती नहीं है एक और एक्स्ट्रा इनके ऊपर डाली जाती है तो वो निकाल के साफ़ करनी पड़ती है ये इसमें फ़िट रहती हैं तो इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है नीचे वाली इतनी गंदी नहीं होती ऊपर वाली होती है तो उनको ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी मैं मांज देती हूँ जैसे बर्तन करते हैं तभी उनको मांज देती हूँ और जिसका हम ज़्यादा काम यूज़ में करते हैं जैसे ये इधर वाला मेरा हो गया बर्नर तो इसके ज़्यादा गंदी होती है इसको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और पहले मैंने अच्छे से इसको स्पंज़ से कर लिया है कोच ब्राइट का ही लिया है स्पंज और उससे हल्के हाथ से किया है क्योंकि ये ग्लास का है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था और ये तो हमारा डेली का ही करना होता है लेकिन आज अच्छे से कर रही हूँ बस थोड़ा सा अच्छा लगता है तो गीले कपड़े से निचोड़ के अच्छे से मैंने इसको कर दिया है और फिर एक सूखे कपड़े से भी साथ साथ इसको पहुँच दिया है तो बहुत ही अच्छी सी शाइन आ गई है और बहुत ही अच्छा सा हमारा सब क्लिनिंग हो रही है अच्छा लग रहा है बहुत तो ऊपर की मेरी जो है स्लेब वगैरह सब मैंने कर दी है और अब यहाँ पे नंबर आया है सबसे नीचे के कबड़ का बहुत देर लगी है टाइम काफ़ी लगता है सारा रिपोर्ट मैंने नहीं किया था आर वगैरह भी किया है बहुत ही अच्छे से तो सारे कवर कर दिए हैं और ये जो मेरी सिंक का एरिया है ये भी मैंने पहले ही माँज के रख दिया था अच्छे से ये मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत कराता है क्योंकि यहाँ पे मेरा पानी बहुत ही जमने वाला है हार्ड पानी आप उसको बोल सकते हैं बहुत ही गंदा सा पानी है जो बहुत जमता है तो देखिए किचन मेरी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चकाचक हो गई है बहुत ही अच्छा लगता है से और सारा काम मैं ख़त्म करने के बाद ही लगी थी बस बीच में मैंने चाय वगैरह दे दी है बना के पापा को जल्दी जल्दी इधर का जो मेरा काउंटर टोप है इधर का मैंने क्लीन कर लिया था और फिर बाद में किया है सिंक वगैरह का और बर्तन भी मैंने लगा दिए थे पहले बस चाय वगैरह के हो गए हैं वो मैंने अभी अलग ही रखे हैं तो वो मैं बाद में करूँगी तो मैंने पहले थोड़ा सा आपको जो है किचन का टूर दे देती हूँ बहुत ही आ, अच्छी लग रही है शाइन आ रही है कबड़ में तो मन को थोड़ी सी शांति हुई है कि हाँ चलिए किचन तो मेरी क्लीन हो ही गई और अब नंबर आता है मेरी जो है बास्केट है ये बर्तन की जिसमें बर्तन मैं माज के रखती हूँ साफ़ करके रखती हूँ तो इसमें भी पानी जम गया था बहुत ज़्यादा दाग दाग से हो रहे थे तो इसको भी मैं यहाँ पे बाहर ला के आराम से कर रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है नहीं तो हाथ वगैरह छिल जाएगा ऐसे काम करने में अगर फुर्ती से करूँगी तो आराम से यहाँ पे बैठ के मैंने इसको क्लीन किया है और उससे पहले मैंने यहीं पर बाहर जो चिमनी के फिल्टर हैं वो किए हैं तो वो मैंने करके सुखा दिए हैं और अब फिर मैं आ गई हूँ नहा धोकर फिर से किचन में अपनी चाय बनाने के लिए तो चाय मैंने बनने के लिए रख दी है और ये फ़िल्टर सूख गए थे तो इनको मैं लेके आई हूँ बाहर से उठा के आज धूप नहीं है बादल हैं बहुत ज़्यादा कभी एक दो बूंद भी आ रही है लेकिन इस इनको मैंने बाहर ही सूखा दिया था तो ये भी मैंने लगा दिए हैं और अभी बस कंगी वंगी नहीं की है मैंने बस नाई हूँ और भूख लग रही है तो बना रही हूँ चाय और आज थोड़ा सा ठंडा सा भी मौसम हो रहा है क्योंकि आज धूप नहीं निकली तो ये मेरी हो गई है और मैं यहाँ झाँक झाँक के इसको अच्छे से देख रही हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया बहुत टाइम लगा है आज बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है वैसे टाइम था नहीं लेकिन जब हम कोई काम करना सोचते हैं ना तो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है तो चाय भी मेरी बनी गई है मैं अब चाय ले लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब अब आपसे मिल रहे हूँ जब से वीडियो शुरू किया है तब से मिलने का टाइम ही नहीं लगा और अब मेरी चाय वगैरह हो गई है थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है तब जाके मैंने कैमरा उठाया है चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा सच में किचन ऊपर से नीचे तक करना ना बहुत बड़ा काम है और अंदर की नहीं की अंदर की तो मैं एक एक, -एक सेल्फ जो है करती रहती हूँ लेकिन बाहर का जो टाइल्स वगैरह का काम है ना वो ऐसा नहीं कि वो मैं हर वीक करती हूँ हर वीक नहीं करती कपड़ वगैरह पे तो लगा देते हैं कपड़ा लेकिन टाइल्स इतनी जल्दी नहीं करती बस गैस के ऊपर की कर देती हूँ जहाँ गंदा लगता है लेकिन आज हर एक जगह से जो है किचन क्लीन हुई है टाइम काफ़ी लगता है वीडियो में तो इतों सा दिखाया जाता है लेकिन टाइम बहुत लगता है ये तो सभी को पता है क्योंकि सब करते हैं और होली हो दिवाली हो जब त्यौहार होते हैं ना तो इस तरह से क्लीनिंग करनी पड़ती है तभी जाके मन लगता है मुझे कई दिन से ना बहुत बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेचैन थी मैं कि मेरी किचन नहीं हुई मेरी किचन नहीं हुई बस कल कुछ और देखूंगी क्योंकि काम अभी पड़ा हुआ है कल देखती हूँ अगर टाइम मिला तो ड्रॉइंग रूम करेंगे थोड़ा सा और बस अब रेस्ट कर रही थी थोड़ा सा फ़ोन देख रही थी अब फिर चलती हूँ पूजा का टाइम हो गया है और पूजा करूँगी उसके बाद फिर खाना वाना बनाएंगे देखती हूँ क्या बनाऊँ आज कन्फ्यूजन सा हो रहा है आज चावल नहीं बनाऊँगी सिंपल जो है रोटी सब्जी बनाऊँगी कई दिनों से लगातार चावल बन रहे हैं शाम को हमारे यहाँ चावल ज़्यादातर बनते ही हैं गर्मी के सीज़न में तो ज़्यादा बनते हैं तो आज चावल नहीं बनाऊँगी आज मैं सोच रही हूँ मटर रखी है बहुत सारी तो आज आलू मटर बनाएंगे शायद आलू मटर श्रेक को इतना पसंद नहीं है और फिर ये भी आलू की सब्जी कम खाते हैं अब पापा को आलू मटर पसंद है इतने सारे मट डेढ़ किलो मटर रखी है घर में तो वो छीलनी भी है इतना टाइम लग नहीं रहा सारी मटर ऐसे ही रखी आज बाबू छील लेगा मटर छील दे बेटा देखो श्रेय कर देगा ऐसे काम ये नहीं करेगा और अभी ना आता था लेट ये बाहर गया था तो अभी ना धो के नई टी शर्ट पहन के बोला मुझे मम्मी मैं बाबू बन के बैठ गया तो ब्लैंकेट देख लो इतनी सर्दी लग रही है आज ठंडे पानी में ठंडे पानी से नाया ठंडे पानी से नहाया अब तो सब ठंडे पानी से नारे करीब हो गए होंगे दो वीक तो हो ही गए मैं ठंडे पानी से नहाते हुए तो चलिए मिलती हूँ आपसे कर लेती हूँ थोड़ा सा काम मौसम बहुत प्यारा सा अच्छा सा हो रहा है बादल हो रहे हैं पूरे चलिए देखिए बादल कितने अच्छे हो रहे हैं बस अंधेरा सा ही होने वाला है मैं आई थी तुलसी पे दिया लगाने के लिए तो सोचा चलिए आपको मौसम दिखा दूं फिर मेरे दिमाग से ही निकल गया तब मैंने बोला था कि बादल हो रहे हैं तो बस अब बाहर आई हूँ तुलसी पे दिया लगाने के लिए तो सोचा चलिए आपको मौसम दिखा दूँ तो देखिए कितने अच्छे से बादल हो रहे हैं हालाँकि अंधेरा हो गया है थोड़ा थोड़ा लाइट्स ऑन कर रखी हैं बाहर की लेकिन बहुत ही प्यारा सा मौसम हुआ है ठंडा ठंडा बादल वाला और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे मटर छील दिए हैं श्रेय सारे मटर श्रे ने छीले हैं मेरा तो फिर बस पूजा का टाइम हो गया था तो श्रेय छील देता है मटर श्रेय बहुत हेल्प करता है ऐसे कामों में मेरी यहाँ पे मैंने आलू छील लिए हैं और इनको कट करके रख लिया है चार आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के और बस यहाँ प्याज भी मैं कट कर लूँगी आज हाथ से ही कर रही हूँ चोपर वगैरह मैंने नहीं उठाया है क्योंकि टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी तो बस प्याज मैंने हाथ से ही काट लिया है यहाँ पर एक प्याज ली है बड़े से साइज़ की तो इसको काट लूँगी और आलू पहले काट के रख लिए हैं आलू वगैरह तो खैर बच्चों से नहीं कटते हैं क्योंकि उनको धोना होता है छीलना होता है लेकिन हाँ ये है कि मटर वगैरह छील लेता है और मटर का काम बहुत भारी लगता है बैठो इतना सारा टाइम निकालो फिर भी चलिए छोटा मोटा तो हो ही जाता है लेकिन ये काम लंबा होता है तो वो सब चिरे ने छिल के रख दी हैं सारी मटर स्टोर कर दूंगी और कुछ बना लूंगी तो यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है ऑयल गर्म हो गया है अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग और जैसे ही हींग जीरा होगा फिर इसमें डाल दूंगी मैं ये प्याज और लहसुन मैं आज नहीं डाल रही हूँ और अब आगे आगे गर्मी आएगी तो मैं सारी सब्जियों में लहसुन नहीं डालूँगी बस कुछ ही सब्जियों में डालती हूँ जैसे कुछ अलग सा बनाना है या फिर कड़ी है कड़ी तो बिना लहसुन के खैर बनती नहीं है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो जिसमें बस लगेगा कि हाँ बहुत ही हैवी सा तड़का लगाना है तो उसमें मैं लहसुन का यूज़ करूँगी प्याज़ हमारी बुन गई है गोल्डन हो गया है कलर अब इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी इससे कलर बहुत अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्च से और वैसे मैंने इसमें हरी मिर्च अदरक और टमाटर साथ में ही पीस लिए थे ज़्यादातर सब्जी में मैं हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ सिर्फ डालती हूँ तो कश्मीरी कलर वाली लाल मिर्च वैसी वाली तीखी वाली मिर्ची बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि हरी मिर्ची टमाटर के साथ पीसी जाती है तो वो यूज़ कर लेती हूँ और नमक डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से तो टमाटर हमारे भुन गए हैं मसाला भुन गया है और कलर भी बहुत अच्छा सा आया है और यहाँ पे देखिए अब मैंने इसमें ऐड कर दी है मटर और मटर फ्रेश है बिल्कुल भी मैंने कोई ये नहीं है कि इसको बॉयल किया है कई बार मैं बॉयल करके डाल लेती हूँ लेकिन मैं आज साथ, साथ डाल रही हूँ और यहाँ पे एक खास इंग्रेडिएंट डाला है इसमें किचन किंग मसाला एक चम्मच पर के इससे बहुत ही अलग फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और बस साथ में आलू भी ऐड कर दिए हैं लेंथ वाइज ही आलू काटे हैं मैंने और फिर जो है इसमें डाल दूंगी पानी पानी आप अपने हिसाब से डाल लें जितनी भी जैसी भी आपको ग्रेवी रखनी है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा थिक सब्ज़ी बनाते हैं आलू मटर की कुछ थोड़ी सी पतली बनाते हैं तो मैं यहाँ पे मीडियम बनाने वाली हूँ और अगर आपको सूखे आलू मटर की सब्ज़ी बनानी है फिर इसमें पानी ना डालें तो ऐसे सूखे आलू मटर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो सूखी सब्जी हो जाती है और शाम को थोड़ा सा लिक्विड सब्जी हमारे यहाँ बनती है सूखी सब्ज़ी कभी नहीं बनती अगर सूखी सब्जी बनेगी तो साथ में फिर दाल वग़ैरह बनती है तो देखिए तीन सीटी लगवाई हैं मैंने इसमें और प्रेशर डाउन हो गया था बीच में मैं बैठी थी तब से आटा वाटा लगा लिया है और अब मैं इसमें कट कर रही हूँ यहाँ पे हरा धनिया और हल्का सा इसमें चमचा ही मैंने लगा दिया है थोड़ा सा चमची से आलू थोड़े से तोड़ दिए हैं तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बन गई है बहुत टेस्टी बनती है कभी बनाते हैं देखिए डेली कुछ भी बनाए तो वो तो अच्छा नहीं लगता अगर कभी कभी बनाते हैं तो अच्छा लगता है तो अब मैंने यहाँ पे तवा रख लिया है और साथ साथ रोटियाँ सेक दूँगी गरम गरम फुल के तो सबसे पहले पापा को दूँगी और अपनी ननद को दूँगी तो इन दोनों को खाना खिलाने के बाद ही बच्चे खाना खाते हैं ये खाना खाते हैं हमेशा सुबह भी शाम को भी जैसे भी टाइम टाइम पे खाना बनता है तो हमेशा मैं पहले पापा को खाना देती हूँ पहले से ही ऐसी आदत बना के रखी है अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं जब छोटे बच्चे थे तब भी हम पहले सबसे पापा को ही खाना देते हैं घर के बुज़ुर्ग खा लें तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ बड़ों ने खाना खा लिया तो हम किसी भी टाइम खा लें बना लें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज तो खैर सब घर पे आ गए हैं ये भी आ गए हैं तो मैं साथ साथ ही सारी रोटियां सेक लूँगी यहाँ पे और सबको गर्मा गर्म रोटियाँ खिला दूँगी क्योंकि चावल आज बना ही नहीं है तो सबके फुलके ही सेकने हैं तो यहाँ पर खाना लग गया है आलू मटर की सब्ज़ी जो कि बहुत टेस्टी बनी है और गर्म गर्म फुलके खीरा और प्याज की मैंने सैलड काटी है और कुछ भी नहीं है और ये आलू शिमला मिर्च की सब्जी है जो लंच में बनी थी तो थोड़ी सी बची हुई थी तो ये भी मैंने साथ में रख दी है तो बस यही हमारा आज का जो है डिनर रहने वाला है कुछ भी स्पेशल नहीं है सिंपल है लेकिन टेस्टी है तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए सिंपल सा हमारे साथ लेकिन सच में बहुत टेस्टी है हाँ जी तो काम धाम सब हो चुका है हो चुका है नहीं हो चुका था बहुत देर हो गई है हम बैठे हुए थे बच्चे ये मैं तो बस बातें कर रहे थे और अब नींद भी आ गई है तो सोच अब मुझे याद आया कि वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है जब नींद आने लगी तब और टाइम भी क्या टाइम हो रहा है सर हैं और देखा आपने श्रेय ने बताया सवा ग्यारह सवा ग्यारह हो गए और मुझे पता भी नहीं कि सवा ग्यारह हो गए मैं सोच रही हूँ अभी पौने ग्यारह हुए होंगे तो आधा घंटा पीछे चल रही हूँ मैं और सुबह जल्दी उठने की सोच रही हूँ और जल्दी फिर कहाँ उठा जाता है इतने लेट सो के बारह बजे सोएंगे तो जल्दी कहाँ उठा जाता है फिर कम से कम छः घंटे तो नींद के चाहिए ही चाहिए और छः बजे उठ के तो ना काम चलता बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं चलेगा तो बस जब बातों में लग जाते हैं ना तो टाइम इतनी जल्दी निकाल जाता है और खाना ही थोड़ा लेट ही खाते हैं हम इतनी जल्दी खाना नहीं खाते करीब साढ़े नौ पौने दस तो खाना ही हो जाता है पहले लेट हो जाता है तो फिर बस बैठ के थोड़ा टाइम मिलता ही नहीं टाइम सुबह उठो तैयार हो तो ये ऑफिस चले जाते हैं तैयार हो के मैं अपने काम में लगी रहती हूँ अब शाम को आते हैं मैं खाने में लगी रहती हूँ तो बस वही सब श्रेय ये क्या है बेटा श्रेय मेरे बिस्तर पे पड़ गए <laughs> सो गया कह रहा मम्मी मैं सोऊँ नींद लेट भी काफ़ी हो रहा है क्योंकि सुबह उसका पेपर था तो जल्दी उठा था तो अब तो नींद आनी है पेपर जब तो में लगे रहता है ना या फिर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं बच्चे तो ऐसा ही चलता है जी और हाँ आज की जो सब्ज़ी थी बिल्कुल सिंपल थी आलू मटर की सिंपल सब्जी लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा थी पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आई बहुत ज़्यादा टेस्टी बताई उन्होंने और पापा को ना आलू मटर चाहे मैं डेली बना के दे दूँ तो उनको टेस्ट आता ही आता है बोल लेते कि फाइव स्टार का खाना भी फेल है इतना मतलब उनको टेस्टी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी और श्रेय को मटर इतने पसंद नहीं है श्रेय मटर निकाल निकाल के खाता है तो इसलिए मैं कम बनाती हूँ आलू मटर पापा जो है आज बड़ा खुश हुए जिस दिन भी आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ उस दिन उनका जो है टेस्ट दोगुना हो जाता है खाने का तो बस चलिए कोई बात नहीं घर के बड़े खुश होते हैं अगर हम कुछ बनाते हैं बड़ों को पसंद आता है हर बार बच्चों का नहीं सोचा जाता बड़ों का भी सोचना पड़ता है तो <laughs> मैंने चलिए अच्छा लगता है जब पापा खुश होते हैं कुछ बनाते हैं उनको पसंद आता है तो मेहनत अपनी ना सफल हो जाती है बस पूरी तो चलिए बस यही थी आज की वीडियो ट्राई करके देख लीजिएगा किचन किंग मसाले का ना फ्लेवर अलग ही आता है अच्छा लगता है बहुत टेस्ट जो है बढ़ जाता है सब्जी का तो चलिए यही थी आज की वीडियो कोई भी क्लिप पसंद आई हो कहीं भी कुछ भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कैसी लगी आज की वीडियो कैसी लगी रेसिपी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगता है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी क्योंकि स्टॉक की वीडियो भी आती है और कुछ लोगों को बहुत ही जो है स्टॉक की वीडियो पसंद आ रही हैं बोले कि दो वीक में दो वीडियो डाला करो बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन बस मैं वही सोचती हूँ कि अरे फिर आप बोलोगे कि डेली जो है ये स्ट्रो की आ जाती है तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चार दिन आपको जो है मैं वीडियो रूटीन की तो चार से पाँच दिन तो कोशिश वही रहती है चार से पाँच दिन मेरा रूटीन का जो है ब्लॉग आता है और दो दिन मेरी वीडियो स्टॉक की आती है इस वीक थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि इस वीक फिर संडे की होली है तो पता नहीं कैसे होगा वो मैं पहले भी इस वीक में वीडियो डाल सकती हूँ संडे के बजाय एक दो दिन पहले तो वो देखते हैं जैसे भी होगा तो बस अपना प्यारा ऐसे ही बनाए रखिएगा मिलूंगी कल आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग